जयपुर स्टैंड में 10 साल से कोई व्यवस्था नहीं है, ना एक बाथरूम है, ना लैट्रिन है, कचरा फैला हुआ है। 10 साल से हम लोग झेल रहे हैं और फिर बोल रहा है कि ऑटो स्टैंड यहाँ से हटेगा, तो बताइए 1000 टेम्पो यहाँ से कहाँ जाएगा। बनाया तो गया है लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है जीपीओ गोलंबर के पास। शौचालय रहता तो यहाँ पे देख रहे हैं, वो है गंद किया जो रेलवे स्टेशन में है ना, अब बगलवा में है तो देखते हैं कि सब पीड़ा हुआ रहता है जी, उसी में जाकर कानून जाकर के कर स्टैंड बनैले है पियकड़ के इसमें गिर के डह 9 बजे रतिया के बाद आइए ना, आपको माइक उक सब छीन लेगा। ये तो न देंगे भैया, अगर नहीं कमाएंगे तो हम कहाँ से, घर में तो पेड़ नहीं रोपे हुए कि उसमें से तोड़ के देंगे। लेकिन इन लोग सरकार के तरफ से हम लोग को इतना दबाव मिल रहा है, टेम्पूए वाला को मिल रहे हैं दबाव। देखना है तो बस को रुकवाइए एक मरते है, देखिए ओवरलोडिंग है कि सीट के बाद है कि सीट के पहले है। बस वाले सवारी उतारने गरी भी बीच रास्ता पर ही रोकते हैं और उनके पीछे इतना जाम लगता है कि आदमी परेशान रहता है। सोच रहे हैं कि ऑटो लेके सब ऐसे होते, इससे बढ़िया है या ऑटो रख लीजिए, बैंक वाला को दे दीजिए ऑटो, सब ले जाएगा कटेगा, उसके बाद जो बचेगा ना तो हम लोग का, समझे। दिन भर में तो 700-800 भी नहीं कमा पाता है जी। देखिए कितना बज रहा है, 1 बज रहा है ना, दूसरा डाउन में लगे, अब कै बजे खुलेंगे भगवान जाने। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं कि News 24। इस वक्त मौजूद है जीपीओ गोलंबर के पास, सबसे बड़े पटना के सबसे बड़े ऑटो स्टैंड में से एक जीपीओ गोलंबर का ऑटो स्टैंड आता है। और यहां पर सबसे बड़ा ऑटो स्टैंड बस यहां पर ऑटो ड्राइवर्स ने बनाया हुआ है। यहां पर कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि सुविधा से आराम से ये लोग अपना काम कर सकें। जैसे कि यहाँ पर जब से ये जीपीओ गोलंबर बना है, जब से स्थापित हुआ है, तब से लेकर अब तक एक भी हैंडपम्प, चापाकल कुछ भी नहीं है। पानी पीने इन लोगों को कहाँ जाना पड़ता है वो हम इनसे जानेंगे। शौचालय नहीं है, शौचालय करने कहाँ जाना पड़ता है ये भी इनसे बात करेंगे। साथ ही में गंदगी भी आपको दिखाएंगे और यात्रियों के बैठने की जगह भी आपको दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा गंदा वो जगह है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप ऑटो ड्राइवर हैं यहाँ के? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या परेशानी होती है यहाँ पर आप? यहाँ में बहुत परेशानी है। अच्छा, पानी पीने का व्यवस्था? पानी पीने का व्यवस्था नहीं है यहाँ में, पानी लेने पड़ता है, बिस्लरी लीजिए पीजिए, लास्ट में क्या कीजिए? अच्छा, पैसा खर्चा करके पीजिए? हाँ, क्या करेंगे, लास्ट में तो वही करना ही है। अच्छा, और शौचालय का क्या बंदोबस्त है वो यहाँ? कोई व्यवस्था, शौचालय रहता तो यहाँ पे देख रहे हैं। वही है, वो है गंद किया जो रेलवे स्टेशन में है ना, अब बगलवा में है तो देखते हैं कि सब पीड़ा हुआ रहता है जिस, उसी में जाकर कानून जाकर के कर। व्यवस्था नहीं है भैया, ये जयपुर स्टैंड में 10 साल से कोई व्यवस्था नहीं है, ना लैट्रिन, ना बाथरूम, ना पानी पीने का सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को दूर जाए पड़ता है पानी पिए, बाथरूम करने के लिए भी जाए पड़ता है आर ब्लॉक, बताइए, सवारी को भी जाए पड़ता है यार ब्लॉक। और साथ में जो यात्रियों के बैठने की जगह है वो भी हम दिखाएंगे, पहले उसके बारे में कुछ आप लोग बता दीजिए। बैठने की जगह यहाँ पे कोई जगह नहीं है, बस स्टॉप बना हुआ है, उसी पे यात्री लोग बैठते हैं वहाँ पे, और उसके अलावा आप कोई व्यवस्था, यहाँ तो इतना पेशाब करके रखा हुआ है आम पब्लिक, रात को तो करता ही रहता। आइए, और हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी में ये लोग रहते हैं और एक भी सही कदम यहाँ पर उठाया नहीं जाता है। हम आपको पूरा ग्राउंड में जाकर रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार पटना के सबसे बड़े ऑटो स्टैंड में से एक जीपीओ गोलंबर ऑटो स्टैंड में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि कितनी ज़्यादा गंदगी है। और जिसे हम पिछली बार भी कवर हमने किया था, इसके पहले भी हमने इसको लेकर कवर किया था, उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी साफ़ सफाई का काम नहीं किया गया है। अच्छा, पिछली बार जब हम लोग आए थे यहाँ पे पिछले महीने, उसके बाद यहाँ पर कोई देख रेख का है नगर निगम के लिए? कोई नहीं, नगर निगम से कोई सुविधा नहीं, नगर निगम से कोई सुविधा नहीं मिला अभी तक, सुविधा ही नहीं, जो भी है बाहर का बाहरना चौड़ना वही जो होता। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि स्टैंड हटाने का एक और कारण है कि मेट्रो बन रहा है तो उसके सुंदरता में कोई कमी ना आए, तो सुंदरता में कमी ये सबसे नहीं आती है जी? कमी आएगी नहीं, रात को तो
पहरा देने के बाद तो है नहीं, हर समय पहरा देंगे, पब्लिक भी करती है। करेंगे सुविस्ते नहीं है तो जहाँ जिसको मन आते हैं गंदगी करके चल जाते हैं, सुविस्ता रहेंगे तो ना उस सुविस्ता में जाएंगे बाथरूम करेंगे, वहाँ का पानी वहाँ का गंदगी हट जाएंगे। और साथ ही हम आपको अभी हमने दिखाया और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि यात्रियों के जो पैसेंजर्स के बैठने का जो जगह है उसका क्या हाल है। हमने इसके पहले भी ये कवर किया था और आज भी कर रहे हैं और साथ ही में आपको दिखा रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। सबसे पहले आप यहाँ पर बैठने का देखिए, हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये आप देखिए बैठने का ये जो आप जगह देख सकते हैं, यहाँ पर कोई बैठेगा तो किस तरह से बैठेगा, ये बैठने का एक जगह है। साथ ही यहाँ बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड बनैले है, यहाँ पे नशे करने वाले आते हैं सब, वैसा ही ना रहता है। 10 बजे 9 बजे रतिया के बाद आइए ना, आपका माइक उक सब छीन लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, सड़क गली में कचरा न फेंके, सफाई वालों का सहयोग करें, जबकि नीचे ही गंदगी है, स्वच्छ सर्वेक्षण और नीचे ही है। और इसी में दाढ़ी रखा जाता है क्या भैया? अब देखे नहीं दाढ़ी एकरा में रखता है कि नहीं रखता है, लेकिन जब आता है रात में बैठते खाता पीता है कुछ। और साथ ही यहाँ पर देखिए पंखा लटकाने का जगह है लेकिन पंखा नहीं है, रात में अंधेरा रहता है, लाइट नहीं है, बनाया तो गया है लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जीपीओ गोलंबर के पास ना एक बाथरूम है, ना लैटरिंग है, कचरा फैला हुआ है, 10 साल से हम लोग झेल रहे हैं और फिर बोल रहा है कि ऑटो स्टैंड यहाँ से हटेगा, तो बताइए 1000 टेम्पू यहाँ से कहाँ जाएगा, सब पे लोन है, लोन कहाँ से भरेगा, खाएगा कहाँ से, रोड पे आ जाएगा, मजबूरन हमको हम लोग को उठाना पड़ेगा कदम। बर्बाद कर देता है, अगर 1-2 इंस्टॉलमेंट गिरा दीजिए, बोलने का टोन बदल जाता है, बदलता है ना भैया? हैं भैया, 2 गिर गया समझे, बस तीसरा बार मैं फ़ोन करेगा तो टोन ही बदल जाएगा उसका, काहे नहीं दे रहे हैं भैया, किस नोटिस है, ये है वो है, गाड़ी खींच लेंगे। हम लोग कहाँ से कमाएंगे तो ना देंगे भैया, अगर नहीं कमाएंगे तो हम कहाँ से, घर में तो पेड़ नहीं रोपे हुए कि उसमें से तोड़ के देंगे। लेकिन इन लोग सरकार के तरफ से हम लोग को इतना दबाव मिल रहा है, टेम्पूए वाला को मिल रहे हैं दबाव, अभी बस को नहीं मिला। अभी बस में जाइएगा तो कम से कम आपको 200 से 250 आदमी लोग कहेंगे, हम लोग 5 को लेकर चल रहे हैं तो उसमें हम लोग को परमिंतन कर रहे हैं कि नहीं 5 को में ओवरलोडिंग है। अरे ओवरलोडिंग देखना है तो बस को रुकवाइए एक मरते है, देखिए ओवरलोडिंग है कि सीट के बाद है कि सीट के पहले है, उनको देखिए, उनको जब वही सुधर जाएंगे ओवरलोडिंग करना, तो टेम्पू वाला को 3 को लेकर चलने में क्या है। बस वाले सवारी उतारने गरी भी बीच रास्ता पर ही रोकते हैं और उनके पीछे इतना जाम लगता है कि आदमी परेशान रहता है, बस को जहां तहां रोक देता है ड्राइवर, और ऑटो हल्का साइड करके भी रोकता है तो उसको और बोलता है साइड करने के लिए। हम लोग को सुविधा दीजिए। जीपीओ गोलंबर से हम लोग फुलवारी ले जाते हैं भैया तो हम लोग को 20 रुपया मिलता है, अगर वो 20 रुपया के जगह हमको 100 रुपया तीने आदमी मिल जाए तो, या 90 रुपया मिल जाए तो हमको क्यों, हमको फालतू आदमी को बैठाना है। हम लोग 100 रुपया के सोचते हैं कि 100 रुपया के जाएंगे, 100 रुपया में समझ लीजिए 50 रुपया के तेल जड़ जाता है, 50 रुपया बचता है, उसी में मालिकों को देखना पड़ते हैं, बैंकों को देखिए, अपना भी पेट खेत देखिए, तो आप पेट में रोजिए ना मार रहे हैं लोग को, कि आप लोग सोच रहे हैं कि ऑटो लेके सब ऐसे होगा, इससे बढ़िया है या ऑटो रख लीजिए, बैंक वाला को दे दीजिए ऑटो, सब ले जाएगा, कटेगा उसके बाद जो बचेगा ना सो हम लोग का, समझे, दिन भर में तो 700-800 भी नहीं कमा पाता है जी। देखिए कितना बज रहा है, 1 बज रहा है ना, दूसरा डाउन में लगे, अब कै बजे खुलेंगे भगवान जाने। तो जैसे आपने देखा इस वक्त हम मौजूद थे जीपीओ गोलंबर के पास और यहाँ पर हमने जाना कि बस आप एक पक्ष ना कर दोनों पक्षों से काम करिए, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अभी स्टैंड हटने की बात आ रही है तो अभी से परेशानियाँ चालू हुई है, जब से 10 साल से जब से ये स्टैंड बना है तब से यहाँ पर एक भी हैंडपम्प नहीं है, शौचालय बहुत दूरी पर है और साथ में गंदगी तो आपने साफ तौर पर वीडियो में देखा कि कितनी गंदगी फैली हुई है। और बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं नंदन, कैमरा मैन विंडो के साथ, धन्यवाद।